हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ परफेक्ट बिरयानी मसाला की रेसिपी। इस तरह से आप बिरयानी मसाला बनाएंगे तो आपकी बिरयानी हर बार एकदम परफेक्ट बन के रेडी हो जाएगी और ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। एक बोल या एक प्लेट में हम सारे साबुत मसालों को जिन्हें हमें भूनना है उसको निकाल के रखेंगे। इसके लिए हमें लगेगा 2 और आधा टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून शाही जीरा, 1/2 टेबलस्पून साबुत काली मिर्च, 1 टेबलस्पून सफ़ेद जीरा, 15 हरी इलायची, 1 और आधा फूल जावित्री का, 3 बड़ी इलायची, 2 बादियान के फूल, 1 जायफल, 12 लौंग, 7 सूखी लाल मिर्चियाँ, 3 1 इंच के टुकड़े दालचीनी के, 4 तेज पत्ते, 1 टेबलस्पून सूखे अनारदाने, 1/2 टेबलस्पून सूखी गुलाब की पंखुड़ियाँ। मैंने यहाँ पे एक पैन को गरम करने के लिए रखा है। हमें ठंडे पैन में मसालों को नहीं डालना है। हमें लाल मिर्चों के डंठल को निकालना है। इसके बाद हम गरम पैन में हमारे स्पाइसेस को ऐड करेंगे और जायफल को भी तोड़ के डालेंगे इसमें। हमें इसे चलाते रहना है 4 से 5 मिनट तक। ध्यान रखना कि हमें इसे ब्राउन कलर का नहीं होने देना है, तो हमें इसे चलाते रहना है। जब तक इससे अच्छी खुशबू ना आने लगे हमें इसे चलाते रहना है। जैसे अच्छी खुशबू आ जाए हम फ्लेम बंद करके इसको ठंडा कर देंगे और ठंडा करने के बाद हम इसे पीस लेंगे मिक्सर में। इसका हमें फाइन पाउडर बनाना है मिक्सर में। बिल्कुल ऐसे ही फाइन पाउडर बनाएंगे हम इसका। एक बोल या एक प्लेट में इसको निकालेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टेबलस्पून लहसुन का पाउडर, 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट, ड्राई जिंजर पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर। इसको हमें अच्छे से मिलाना है हमारे मसालों में। इसे अच्छे से मिलाते रहेंगे जब तक ये पूरी तरह से मिल नहीं जाए। यहाँ पे मैंने लिया है आलू बुखारा। मैंने यहाँ पे अच्छे साथ आलू बुखारे लिए हैं। ये ऑप्शनल है, आपको चाहिए तो आप डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। इससे ऑथेंटिक टेस्ट आता है बिरयानी मसालों में। मुझे इसका टेस्ट बिरयानी में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया है। इसको ठंडा करने के बाद हम इसको एयरटाइट कंटेनर में भर देंगे। इसे हम 6 महीने से 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसको हम 1 किलो बिरयानी के लिए हम 2 टेबलस्पून मसाला ऐड करेंगे। आप आपके टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा थोड़ा कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा।